हम सभी के घर में मिक्सर तो होता ही है, तो इसलिए आज मैं आपको बेसिक केक जो बनाना सिखा रही हूँ वो हम मिक्सर में बनाएंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रेशमा खान और मेरी ऑनलाइन कुकिंग बेकिंग क्लास माशाल्लाह से आप में से बहुत से लोगों ने ली है, और जिन्होंने नहीं ली है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब क्लास यहाँ पर मैं फ्री आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको मिक्सर ग्राइंडर हम सभी के घर में होता है, तो आज हम जो केक बनाने वाले हैं वो मिक्सर ग्राइंडर की मदद से बनाएंगे। अगर आपके पास नहीं है बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो केक बनाने के लिए यूज़ होते हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सर में भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, सारी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। कर्ड आपको लेनी है, ज़्यादा दही खट्टी वाली मत लेना, घर की बनी होगी तो अच्छी है। तेल यहाँ पे लिया है मैंने, सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप राइस ब्रान ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आप राई का तेल या सेंग का तेल इसमें नहीं लेंगे वरना वो फ्लेवर बदल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 चुटकी नमक, सब रेसिपी मैंने पूरी लिखी है हाँ डिस्क्रिप्शन में। वेनीला एसेंस, अगर नहीं है आपके पास वेनीला एसेंस तो आज की रेसिपी के लिए इलायची भी चलेगी, बस इसका छिलका निकाल दीजिए और बेलन की मदद से ग्लास में रख के कूट लेना। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये केक की जान होते हैं। मैं विकफील्ड का आज यूज़ कर रही हूँ। हर रेसिपी में जब भी कोई प्रोडक्ट डालते हो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लो हमेशा। केक के लिए सबके पास बर्तन वैसे वाले नहीं होते केक टिन, तो आज आपको मैं पतीली में बना के बताऊंगी। एल्युमिनियम की ये पतीली है, तो इसको डस्टिंग कैसे करना है, क्योंकि बटर पेपर अब सबके पास अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। 1 टीस्पून जितना आप इसमें ऑयल डाल दीजिए, उंगलियों से इसे अच्छे से फैला दीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून जितना मैदा। मैदे को हाथ से नहीं लगाना है हाँ, डस्टिंग कर रहे हैं हम इसमें क्योंकि हम बटर पेपर नहीं यूज़ कर रहे हैं और हम केक टिन में नहीं पतीली में बना रहे हैं, और बेकिंग भी आज मैं पतीली में करने वाली हूँ। ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसको मैंने झटक लिया है, ये रेडी है, ये पहले रेडी करके रखना है, बाद में केक का बैटर बनाना है। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया है, अब ये जो बर्तन है मैं इसमें बेक करने वाली हूँ। यस, माइक्रोवेव OTG में भी बेक कैसे करते हैं वो सब मैं सिखाने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टक्कर को पीस लिया है मिक्सी ग्राइंडर में, दही डाल दीजिए इसमें और इसमें आपको डाल देना है नमक। सबसे पहले हम फेंट लेंगे मिक्सर में जितने हमारे वेट इंग्रेडिएंट है, यानी गीला वाला जितना सामान है, ऑयल, दही और नमक को मैंने यहाँ पे फेंट लिया है। इसे फेंट लेने के बाद मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। तो मैदे में मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यहीं पर हम मिक्स करेंगे। टीस्पून, टेबलस्पून, कप्स वाली मैंने वीडियो पोस्ट की है वो चेक करिए। इस तरह से कट करके डालिएगा, पूरा उभरा हुआ पहाड़ के जैसा चम्मच भर के नहीं डालना है। बेकिंग सोडा जो होता है थोड़ा करकरा सा होता है, दानेदार होता है, कभी मिक्स हो जाए तो ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर अब मिक्स कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून। इस तरह से कट करके ऊपर से हमेशा लेंगे मेजरमेंट, पहाड़ की तरह ऊंचा करके नहीं लेंगे। सबको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया, आप चाहे तो छन्नी से छान के भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर में मिला रहे हैं, जार में वो अपने आप सब मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने हाफ डाल के मिक्स किया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेनीला एसेंस, जिसके पास वेनीला एसेंस नहीं है वो इलायची को कूट के फिर इसमें मिक्स कर देना, शक्कर के साथ पीस लेना। 2 टीस्पून यहाँ पे मैं वेनीला एसेंस डाल रही हूँ और दूसरी बार में मैंने पूरा पाउडर जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो डाल दिया मिक्सर में। अब मिक्सर को 1 मिनट के लिए और चर कर दिया मैंने अच्छे से, और यहाँ पे हमारा ये केक का बैटर रेडी है। अब ये थोड़ा प्लेन हो गया है तो आप इसके अंदर चाहे तो जो दिल करे आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। टूटी फ्रूटी मेरे पास ये इस तरह से है, तो 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया मैदा ताकि ये सिंक ना हो। इसे मिक्स कर लिया है और जितनी भी चीज़ें आज मैंने ली हैं सब रूम टेम्परेचर पे, जब मैं बोलूँगी कुछ गर्म लेना है ठंडा लेना है तब लेना, अदरवाइज सब नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी इसमें मिक्स कर दे रही हूँ, और टूटी फ्रूटी डालने के बाद ये जो हमने पहले सबसे पहले केक डस्टिंग करके ये रखा था ना केक टिन,
यानी हमारी पतीली, इसको मैंने भर दिया है। अब जो बचा हुआ टूटी फ्रूटी है मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसे बेकिंग के लिए रख रही हूँ, ये 25 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने कैसे बेकिंग करनी है ये फर्स्ट वाले एपिसोड में आपको बताया है, वो ज़रूर चेक कीजिए। हर किसी का बर्तन अलग होता है, कढ़ाई होती है, कोई कुकर में करेगा तो टाइमिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। मुझे यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे बीच में छुरी डाल के चेक कर रही हूँ। हल्का सा छुरी के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि गीलापन लग रहा है, तो मैं इसे 10 मिनट और बेक होने दूंगी। तो 25 मिनट हो चुके थे और 10 मिनट बाद मैं इसे निकालती हूँ। 10 मिनट में ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है, 25 मिनट में ये बीच में थोड़ा सा हल्का कलर बाकी था, अब ये पूरी तरफ अच्छा कलर आ चुका है। इसे मैंने निकाल लिया बेक होने के बाद 35 मिनट्स बाद, और ये देखो ठंडा हो चुका है। आधा घंटा मैंने इसे रखा, ठंडा हो गया पंखे के नीचे, उसके बाद मैंने इसे पतीली से डीमोल्ड किया है, यानी निकाला है। गरम गरम में केक को नहीं निकालिए, देखिए इसका हाइट बहुत अच्छा आया है, बहुत बढ़िया इसका बेकिंग हुआ है। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। वाओ, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, एकदम गजब का लग रहा है। बहुत ही अच्छी इसमें जाली आई है, आप देखिए परफेक्ट जाली है। हमारा जितना टूटी फ्रूटी हमने डाला था वो भी नीचे नहीं सिंक किया है, हर तरफ फैला हुआ है। इसका फ्लफी स्पंज देखिए एकदम पिल्लो सॉफ्ट बना है, खाने में सुपर टेस्टी है। रेसिपी पूरी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। ये हमारा थर्ड एपिसोड है, या थर्ड क्लास आप कहिए। तो अब से हम एवरी डे न्यू केक, न्यू रेसिपीज़ 11 o'clock को मैं पोस्ट करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो ज़रूर मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये केक और लोगों ने आपकी कितनी तारीफ़ की। तो फ्री ऑनलाइन केक बेकिंग क्लास के लिए रोज़ सुबह 11 बजे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।